प्रणाम आप सभी को। तो मैं निकल पड़ी हूँ एक नए सफर पे, मेरा बैग एरा रेडी और एक बैग मेरे पास है, तो निकल पड़े हैं नए सफर पे, विश्व धरोहर देखने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे, तब तक के लिए लाइक कर दीजिए। शुरुआत होती है सुबह की मेट्रो से, तो मेट्रो पकड़कर मैं निकल पड़ती हूँ एक नए सफर के लिए, जहाँ मैं जा रही हूँ अकेले बिल्कुल, और आपको घुमाने वाली हूँ एक नई जगह। तो निकल पड़े हैं, मेरा एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को देने के लिए मैं जा रही हूँ और घर से निकल पड़ी हूँ। पहुँच गई हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से मेरी ट्रेन है, और इस ट्रेन को ग्रैब करके मैं जा रही हूँ एक लंबे सफ़र पे, और ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मतलब बहुत कम वीडियोज़ जहाँ की आई हुई हैं, तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। एक ऐसे मंदिर जो कि पहाड़ पर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उस जगह पर। तो मिलते हैं इस वीडियो में आगे, और आपको मैं पूरा दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहना। यहाँ मेरी ट्रेन आ गई है, और ट्रेन की सीटी सुन सकते हैं आप, ट्रेन का हॉर्न सुन सकते हैं आप, कितना अच्छा लगता है। तो बस पहुँच गई थी मैं, और फिर मेरी ट्रेन आके, और मैंने जल्दी से इसमें अपनी सीट को ढूंढा, जो कि थी एक एसी बॉगी में, और मैं वीडियो बनाना भूल गई, इसलिए मैं सो गई। सोकर उठी तो एक कप चाय ली, और मेरी सीट थी मिडिल बर्थ। तो भाई बकवास होती है मिडिल बर्थ, या तो साइड बर्थ मिल जाए या अपर साइड बर्थ मिल जाए, ये दोनों सीट्स मेरे को अच्छी लगती हैं। तो चाय पीने के बाद मैं मतलब बाहर की तरफ जा रही थी, जहाँ मुझे करनी थी आप लोगों से थोड़ी सी बात, और आपको बताना था कि कहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी नींद ली है मैंने, अभी नींद लेके मैं उठी हूँ, और मैं भी ट्रेन में हूँ, और नींद मेरी हो गई है पूरी। तो अभी टाइम है डिनर करने का, तो लखनऊ स्टेशन आने वाला है, लखनऊ पे पहले मैं डिनर खाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ मैं वीडियो में आपसे आगे। देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, और जर्नी पूरी इन्जॉय करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियोस को कंप्लीट देख लेते हो, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही कमेंट करते हो कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। 9:30 हो रहे हैं, मैंने अपने लिए ली है एक स्टिंग, और मेरी ट्रेन ये रही, मैं अभी हूँ लखनऊ स्टेशन पर, तो वीडियो में बने रहिए। तो यार, रात के 3 बजे मुझे एक पुलिस वाले अंकल ने उठा दिया, क्योंकि मेरे सामने मतलब 2 अंकल बैठे हुए थे, और वो लोग रात को 3 बजे उतर के जा रहे थे। तो अंकल ने कहा अपना सामान चेक कर लो और देख लो कहीं आपका सामान तो नहीं है, तो मैंने कहा नहीं सर, मेरा सामान नहीं है। फिर उनको जाने दिया पुलिस वाले अंकल ने, पता नहीं ऐसा क्यों किया, शायद सेफ्टी के लिए किया होगा, मुझे पता नहीं। उसके बाद मैं निकल गई थी आगे, मेरी ट्रेन देखो कहाँ पहुँच गई है, एकदम हरियाली वाले रास्तों से होते हुए मैं पहुँच गई हूँ बिहार। बिहार में कौन सी जगह पहुँची हूँ मैं, नालंदा। आप सबने सुना होगा नालंदा में यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ मैं उतरी हूँ बिहार शरीफ में, जहाँ मेरी ट्रेन ने मुझे उतार दिया, और यहीं से मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो बहुत पास था, तो मैं वहाँ के लिए निकल गई। और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि नए शहर में आना, और बट फिर भी एक स्माइल के साथ मैं आगे बढ़ गई। मैंने कहा चलो नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, नई जगह जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो इसके लिए मैंने फटाफट एक रिक्शा लिया और निकल पड़े सेंटर के लिए। तो सेंटर के पास ही मुझे एक रूम मैंने बुक किया था, उस रूम में मैं गई। भाई मेरे को भूख लग रही थी, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले खाएँगे पानी पूरी। तो यहाँ पर बिहार का फुचका खाने के लिए मिला, जो कि बहुत फेमस है, हर जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। और जब मैं पहुँच गई अपने रूम पर, तो यहाँ पर एक अंकल को देखा मैंने, जो कि शायद इस पेड़ को हमारे यहाँ पर तारी बोलते हैं, तारी आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ये एक तरीके का नशा करने के लिए बिहार में इसका यूज़ किया जाता है, और एक फ्रूट है ये, जो कि नारियल की तरह एक पेड़ होता है जिसमें ये उगता है। तो अंकल जी देखिए कैसे इस पेड़ पर चढ़ेंगे, और कैसे मतलब ऊपर से इसके फ्रूट्स को गिराएंगे, फिर उसके बाद उसमें छेद सा करके और उसका रस कलेक्ट कर लेंगे। तो बहुत ही एक अजीब सा प्रोसेस है, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये देख सकते हैं कितने ऊपर तक ये चढ़ गए हैं, और बहुत ख़तरा है ऐसे कामों में। तो ये लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और बीच बीच में देखना आप, अंकल के पैर भी फिसलेंगे, ये देखना आप, ये देखिए पैर फिसल रहे हैं। तो ये बहुत खतरे वाला काम है, वही मैंने देखा और मैंने इसका एक वीडियो बना लिया। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये एक लोकल कल्चर है वहाँ का, और वहाँ पर ये चीज़ें होती रहती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। और आप लोगों को दिखाने के लिए ही तो मैं गई हूँ यहाँ पर, और मैं सारा कुछ कर रही हूँ। तो मुझे लग रही थी भूख और निकलना था कुछ खाने के लिए, तो मैं निकल पड़ी हूँ एक रेस्टोरेंट जो कि है ममता रेस्टोरेंट, और ये है बिहार शरीफ में ही। तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली और पता किया कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है,
और लोगों से जानने पर पता चला कि यहाँ का पनीर पराठा बहुत फेमस है। तो मैंने कहा कि चलो भाई पनीर पराठा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इनका अंदर का देखिए आपको दिखाया है कैसा इनका अंदर का डेकोरेशन है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर डाइनिंग एरिया। फिर मैंने मंगाया अपना पनीर पराठा और उसको खाया, बहुत ही यम्मी था। नेक्स्ट डे मैं आके सो गई थी और नेक्स्ट डे इतनी तगड़ी बारिश हो रही थी जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ पहाड़ी वाले मंदिर, क्योंकि मैं हूँ बिहार शरीफ में और यहाँ से बहुत ही नज़दीक में पहाड़ी वाला मंदिर है। तो चलिए आज पहाड़ी वाले मंदिर चलते हैं और घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, और एक्सप्लोर करेंगे नई नई चीज़ों के बारे में, देखेंगे कि बिहार में भी पहाड़ियाँ हैं और इसको एंजॉय करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। असली स्ट्रगल अब शुरू होने वाला था क्योंकि ऐसे रास्तों पर मैं कभी नहीं गई थी जो कि खतरे से खाली ना हो। एक साइड बहुत पतली एक ईंट की रोड थी और मतलब एक ईंट की सड़क थी और दूसरी साइड मतलब कमर से भी गहरा पानी था और जिसको बोलते हैं ना कीचड़ पूरा प्रॉपर, तो वो कीचड़ से होकर जाना था। मतलब एक तरीके से आप जान सकते हैं, आपको दिखाने के लिए व्लॉग में कैसी कैसी क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें दिखानी पड़ती है। ये बहुत अनसेफ था, मैं एक बार गिर भी चुकी थी एग्ज़ाम देने जब मैं जा रही थी। तो देख सकते हैं आप, ये सारा पार पूर करके फिर उसके बाद मैं निकली आप लोगों को घुमाने के लिए कहाँ, बड़ी पहाड़ी मंदिर, तो जहाँ के लिए हम जा रहे थे। तो मेरे चेहरे पर खुशी थी क्योंकि इतने सारे मतलब कहते हैं ना, इतनी सारी चीज़ों को पार करके अकेले एक ऐसे ऐसे जगह पर आना जहाँ पर आपका आपके साथ कोई भी ना हो, और उस जगह पर जाकर आपको एक लोकल एरिया का व्यू देना, एक एरिया के बारे में बताना। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ बड़ी पहाड़ी मंदिर जो कि हिरण्य पर्वत पर है, और ये बच्चे सुबह सुबह का टाइम था तो स्कूल जा रहे थे और बहुत मतलब आप सड़कें देख सकते हैं, बारिश हुई थी तो इसलिए बहुत कीचड़ हो रखा था यहाँ पर, और निकल पड़े हैं इस रास्ते में, इस सफ़र में। तो प्लीज़ कमेंट कर देना अच्छा अच्छा और बताना वीडियो में आपका कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो यहाँ से हम पहुँच गए थे मेन रास्ते पे जहाँ से हमें पहाड़ पर चढ़ना है और पहाड़ पर जाना है। तो आप लोगों को कमेंट कर देना है, देख लीजिए कितनी जल्दी जल्दी मैं चढ़ रही हूँ, और जल्दी जल्दी चढ़ने के बाद मेरी सांसें गई फूल, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि गाँव का एक कल्चर देखने के लिए मिल रहा था बहुत टाइम बाद, यहाँ ग्रीनरी और यहाँ पर सब कुछ, मतलब मुझे अपने गांव की भी बहुत याद आने लग गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए बकरियाँ कैसे अपना चारा खा रही हैं, सुबह का टाइम था निकल पड़े थे और पहुँच गई हूँ मैं। देखिए एक शहर का पूरा व्यू मिल रहा है इस पर्वत पे आने पे। तो अभी तो मैं पूरा ऊपर नहीं आई हूँ, अभी मैं और ऊपर जाऊँगी, और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से एक छोटा सा व्यू लेते हुए मैं निकल गई आगे के लिए जहाँ मुझे मंदिर जाना था। यहाँ पर एक भगवान शिव का बहुत अच्छा मंदिर है और रास्ते से ही मुझे भजन की बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ सुनाई पड़ रही थी। यहाँ पे कैक्टस का इतना बड़ा पौधा मिला और भजन की पंक्तियाँ सुनाई दे रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। लोकल लोग, यहाँ के बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे लोग मुझे मिले यहाँ पर। तो बस चढ़ गई मैं फटाफट इस पर्वत पर और भगवान के भजन की पंक्तियाँ और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर मेरे साथ हो गई एक घटना जिसमें मेरी जूती हो गई ख़राब, मतलब टूट गई। तो वहीं पर मुझे अपनी जूती को डस्टबिन में डालना पड़ा था। फिर उसके बाद निकल गए, पर्वत सामने ही था और वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी भजन की पंक्तियाँ आ रही थी, और यार ये इतना ऊपर था कि ऐसा। वैष्णो देवी से याद आया, मुझे जल्दी ही जम्मू भी जाना है क्योंकि मेरे को आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग बनाना है जम्मू का, तो वहाँ भी जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट व्लॉग आपको कहाँ का चाहिए, कौन सी सिटी का चाहिए और कौन सी जगह का चाहिए। तो यहाँ मैं बिल्कुल पर्वत के एकदम निकट में मंदिर के पास आ गई हूँ और जहाँ पर मुझे भजन की सुंदर सुंदर पंक्तियाँ सुनाई दे रही है, भजन है माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद। और अब ऊपर चढ़ते चढ़ते यार मेरी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरे को आदत नहीं है ऐसे मतलब एकदम से क्लाइंब करने की और ऊपर चढ़ने की। तो यहाँ पहुँच गए थे हम शिव मंदिर और बहुत खुशी हो रही थी मेरे को कि अब फाइनली मुझे यहाँ पर दर्शन होंगे भगवान शिव के और बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक व्यू भी दिखाऊँगी कैसा पहाड़ से दिखता है नीचे। तो पहले चलते हैं मंदिर और मंदिर के आप लोगों को दर्शन कराती हूँ और ऐसा कहती हूँ कि भगवान महादेव आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी करें। और यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे, पुजारी जी, और अंदर जाने के बाद यहाँ पर गाना बज रहा था और बहुत अच्छा फील हो रहा था जैसे कि आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। बस फिर हमने भी पूजा वूजा करी और आपको व्यू दिखाने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी। तो देखिए कितना प्यारा,
बजरंगबली महाराज जी के, तो बजरंगबली महाराज जी के मंदिर आ गए और यहाँ से दर्शन करे इनके, और मैं पहाड़ के पास खड़ी हो गई एक बाहर का व्यू लेने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना मतलब आनंद आ रहा था, और बहुत मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँ। और मतलब ऐसे प्लेसेस जो होली प्लेसेस होते हैं जहाँ पर भगवान के मंदिर होते हैं अक्सर, और पहाड़ तो वैसे ही हम लोगों को आकर्षित करते हैं। तो बिहार में पहाड़ियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे चेहरे की स्माइल ही आपको बता रही होगी कि मेरे को यहाँ पे कितना अच्छा फील हो रहा था ऊपर चढ़ने के बाद। और यहाँ पे ठंडी हवा, नीला आसमां, हरियाली, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद आगे का प्लान था कि हमें यहाँ पर और चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी थी, क्योंकि यहाँ पर पास पास में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक स्तूप जैसा कुछ दिख रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पर भी चलते हैं और इसे भी एक्सप्लोर करते हैं कि किस क्या चीज़ है। और फिर उसके बाद यहाँ से पहाड़ी का व्यू ही इतना अच्छा लग रहा था कि आप लोगों को दिखाया। तो जब मैं यहाँ पहुँची तब मुझे मिला यहाँ पर मलिक इब्राहिम का मकबरा, जिसके मैं अंदर तो नहीं गई बट बाहर से ये मतलब एक देखा मैंने कि कैसा है। और मकबरे में तो वैसे भी मतलब नहीं जाना चाहिए लेडीज़ को, तो बस बाहर से ही मैंने देख लिया। और फिर मैं उसके बाद निकल पड़ी थी आगे के लिए, जहाँ पर मैं जाने वाली थी एक अच्छा सा और व्यू आप लोगों को दिखाने के लिए, पहाड़ के रास्ते होते हुए एक ऐसी जगह पर जहाँ से बस मौत कुछ कदम दूर हो। मतलब बहुत देख सकते हैं आप कि कैसा फील हो रहा होगा। एक सिर्फ 4 से 5 ईंटों की दीवार थी और ये नीचे एकदम खाई थी, गहरी खाई, और इतना अच्छा फील हो रहा था यहाँ पर आने के बाद, इतना अच्छा फील हो रहा था जैसे हमने कोई जंग फतेह कर ली हो, एकदम खुशी हो रही थी। तो यहाँ से फिर से लग गई थी भूख, तो यहाँ पे मिले एक अंकल जो कि पाइनएप्पल काट रहे थे, तो इनसे मैंने पाइनएप्पल लिया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने पाइनएप्पल को बनाया। आप देख सकते हैं उन्होंने कटिंग कितने प्यार से की, और बहुत ही सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं था बिल्कुल भी। पत्ते पे ही उन्होंने मुझे, मतलब जो लोकल पेड़ के पत्ते होते हैं वो पत्तों पे ही उन्होंने मेरे को पाइनएप्पल दिया। और सो फ्रेंड्स, इस सीरीज अच्छा का मुझे यहाँ पर ये भी खाने जरूर के लाऊंगी, इसको मैं एंजॉय किया मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पार्ट टू भी आप ज़रूर देखना। उस पे मैं जाऊंगी राजगीर में स्नान करने, जहाँ पर महाकुंभ लगा था, मेला लगा था, जो कि लोग मले मास में वहाँ पर स्नान करते हैं। तो इसके बाद मैं राजगीर जाऊंगी और आपको वहाँ का भी एक छोटा सा व्यू दूंगी जो कि पार्ट टू में आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बहुत सारा प्यार बरसाइए, बहुत सारी बातें कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।